हाय एवरीवन फ्रेंड्स क्या वेंडर यानी कि सप्लायर को यदि एडवांस पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी यानि कि गुड्स या सर्विसेज की आपको अभी सप्लाई भी नहीं मिली है पर आपने यदि वेंडर को एडवांस पेमेंट किया है तो क्या वेंडर के एडवांस पेमेंट पर रिसेपेंट को जी पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से जीएसटी टैक्स पेयर्स के बीच कॉमन क्वेश्चन भी रहा है तो आइए हमारे आज के इस वीडियो में जानते हैं वेंडर एडवांस पेमेंट पर जीएसटी की लाइबिलिटी आती है या नहीं आती है इससे रिलेटेड जीएसटी लॉ के प्रोविजन को तो फ्रेंड्स मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल एक्सपर्ट मीडिया तो चलिए फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए आपको इस टॉपिक पर जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स कारोबार जगत में बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान एडवांस पेमेंट लेने और देने का काफी प्रचलन है जहाँ आज के इस वीडियो में एडवांस पेमेंट पर जीएसटी की कोई लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी इसके लिए हमने दो अलग अलग सिचुएशन ली है जहाँ फर्स्ट सिचुएशन है नॉर्मल वेंडर एडवांस पेमेंट फ्रेंड्स आपको बता दू की वेंडर को यदि रिसिपेंट की तरफ से किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए एडवांस पेमेंट देना है तो उस पर रिसिपेंट को कोई भी जीएसटी पेमेंट ना तो पे करने की जरूरत है और नही जी एस रिटर्न में कहीं शो करने की फॉर एग्जाम्पल रिसिपेंट मिस्टर ए को किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई ले है मिस्टर बी से जहां सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू है एक लाख रूपए जीएसटी एस टी है अठारह रूपए की टोटल वैल्यू हुई एक लाख अठारह रूपए और यहाँ मिस्टर ए जो की रिसिपेंट है उसे यदि का एडवांस पेमेंट करना है मिस्टर बी को जो की वेंडर यानी सप्लायर है तो इस सत्तर हजार रूपए के एडवांस पेमेंट आरोप रेसिपेंट को कोई भी जीएसटी अलग से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स नेक्स्ट सिचुएशन है आरसीएम सप्लाई से रिलेटेड वेंडर के एडवांस पेमेंट की मान लीजिए कि आप यदि एक रिशिपेंट है और वेंडर को एक ऐसी सप्लाई के लिए एडवांस देना है जो कि रिवर्स चार्ज यानी कि आरसीएम के दायरे में आती है तो क्या आरसीएम सप्लाई की सिचुएशन में वेंडर को जो एडवांस पेमेंट करना है उस पर जीएसटी आरसीएम को पे करने की लाइबिलिटी आएगी फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा आरसीएम के अंडर रिसिपेंट को ही सप्लाई के अगेंस्ट जीएसटी की लाइबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट होती है यानी की आरसीएम सप्लाई के केस में यदि इन्वॉइस नहीं मिला है या नहीं जनरेट किया गया है और रिसिपेंट आरसीएम रिलेटेड वेंडर को एडवांस पेमेंट करता है तो इस सिचुएशन में रिसेपेंट को जीएसटी आरसीएम की लाइबिलिटी पे करनी होगी यानी कि यदि एक लाख रूपए के वैल्यू की सप्लाई से रिलेटेड वेंडर को एडवांस पेमेंट करना है सत्तर रूपए का तो सत्तर हजार रूपए पर रिसपेंट को जीएसटी आरसीएम की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी यानी कि यह क्लियर हो गया कि नॉर्मल सप्लाई के केस में वेंडर को एडवांस पेमेंट करते वक्त कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है लेकिन आरसीएम सप्लाई के केस में वेंडर को एडवांस पेमेंट करते वक्त रिसेपेंट के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आती है फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड एक और बोनस इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूंगा कि यदि आरसीएम सप्लाई के, के केस में विंडर को एडवांस पेमेंट करते वक्त रिसिपेंट के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आती है तो उसे पे करने के बाद क्या रिसेपेंट उस आरसीएम जीएसटी एम लाइबिलिटी पेमेंट के अगेंस्ट में एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है तो इसका आंसर है नहीं क्योंकि रिसिपेंट ने केवल एडवांस पेमेंट ही किया है फाइनल बिल बुक नहीं किया है फुल पेमेंट करने के बाद जब वह आरसीएम सी एम सप्लाई ऐसी फाइनल बिल बुक करेगा तभी वह रेसिपेंट यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होता है तो वह आईटीसी क्लेम कर सकेगा तो फ्रेंड्स यह था वीडियो जहां मैंने आपको जीएसटी के अंडर विंडर एडवांस पेमेंट पर जीएसटी की लाइबिलिटी एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है उसे क्लैरिफाई किया नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको एडवांस रिसिप्ट पर जीएसटी की लाइबिलिटी को क्लैरिफाई करूंगा आई होप हमारा आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा साथ ही आपको सीखने को मिला होगा कुछ नया अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस और एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद वंदे मातरम